चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कई अनूठे आयोजन हुए। इसके तहत सभी चिकित्सकों ने मरीजों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए फूल भेंट किए। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस अवसर पर चिकित्सा सुविधाओं में भी कई बदलाव किए हैं, जिससे कि मरीजों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो सके। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजन नंदा ने कहा कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन है। इस अवसर पर हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया है, जिसमें ओपीडी के लिए अलग लाइन, वार्ड में अलग स्थान, दवाएं और चिकित्सक उन्हें प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। वहीं महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि अस्पताल में 8 बजे से 2 बजे तक भर्ती वरिष्ठ नागरिक मरीज की जाँच वहीं पर ही होगी, जिसमें उसकी रक्त जाँच, शुगर, लिक्विड प्रोफाइल के साथ ही अन्य जांचें भी शामिल हैं। इन जांचों की रिपोर्ट भी उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं पर मिलेंगे, वहां जो मरीज भर्ती होगा उसको सैंपल काउंटर पे नहीं जाना पड़ेगा, उसकी सभी जांचें वहीं से निर्धारित होंगी। हमने उसका एक पैकेज बनाया है, जैसे अगर हृदय रोगी है तो उसका लिपिड प्रोफाइल हम कराएंगे, शुगर का पेशेंट है तो ग्लाइकोसाइलेटर हीमोग्लोबिन कराएंगे, फिर इनका एक्सरे होगा, ईसीजी होगा, सोनोग्राफी होगा, डायबिटिक पेशेंट है तो उसका फंडस होगा, ठीक है सर, और उसको संपूर्ण विशेषज्ञों को अगर वहाँ आके देखना पड़ेगा तो रेफरेंस पे उसको वहाँ आना पड़ेगा। मरीज चल सकता होगा तो वहाँ जाके, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण ओपीडी चैम्बर्स उसके पास ही हैं। सर्जिकल आउटडोर वहीं है, मेडिकल आउटडोर वहीं है, उसको फंडस दिखाना है, आई का आउटडोर पास ही है, जो मरीज चल सकते होंगे वो जाएंगे, अदरवाइज डॉक्टर आके वहीं देखेगा, और फिर उनकी रिपोर्टें भी उनको 12:30 बजे बाद मिल जाएंगे। उनका हार्ट काम चेकअप भी करेंगे, इको भी करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा फोकस, जैसा कि हमारे सर ने बताया है, निशक्तजन है, उनकी सेपरेट लाइन हो गई है सर। पहले उनको यहाँ पर्ची लेनी पड़ती थी, आप सबको पता है, अब वहाँ जाना पड़ता था। SMS के अंदर माननीय रघु जी शर्मा ने ये सुविधा चालू की कि वरिष्ठ नागरिकों को एक ही जगह सब काम हो। हमने उसके लिए आज जैसा सर ने निर्देश दिया है, एक थैली में दवा वितरण की जा रही है। अब हम इस सुविधा को धीरे धीरे और बढ़ाएंगे सर। हमने एक MBA के वाला लड़का जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में रखा हुआ है, वो प्रतिदिन क्यू में जाए हुए लोगों से बात करेगा, सैंपल सेंट कलेक्शन पे जाएगा, एक्सरे में जाएगा, लाइन जहाँ भी है आउटडोर में वहाँ जाएगा, और उनसे एक प्रश्न पूछेगा कि आपको इस चिकित्सालय में आने के बाद सबसे बड़ी असुविधा क्या हुई, और उसके 7 दिन के फीडबैक के आधार पर नेक्स्ट वीक हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास फीडबैक नहीं आता है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री का जन्मदिन है, मैंने और अधीक्षक PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने मिलकर ये फैसला किया कि अधिक उनके जन्मदिन को मनाने के लिए सबसे अच्छा अवसर ये होगा कि हम यहाँ पर वृद्धजनों की सेवा में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करें, जिससे कि भीलवाड़ा की पब्लिक के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके। तो हम कई दिनों से इस कोशिश में थे कि हम सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से OPD के लिए लाइन, जिनका रजिस्ट्रेशन में उसको भीड़ नहीं हो, दवाइयों का काउंटर, उनका वार्ड में ठहरने की जगह, उनको वार्ड OPD में अलग देखने की जगह है। आज हमने उस दिन के लिए चुना और आज हमने इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया है। अब से जो भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में आएंगे, इस अस्पताल के अंदर आएंगे, उनको अलग से डॉक्टर, अलग से दवाइयों, अलग से इन्वेस्टिगेशंस, सारा सामान उनको इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से मिलेगा।